हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ भारती और आप सभी का एस्ट्रो टॉक पे वेलकम करती हूँ। फ्रेंड्स, की पिछले काफ़ी टाइम से पैसे को लेकर, मैरिड लाइफ को लेकर सबके लाइफ में कुछ ना कुछ इस तरह के इशू चल रहे होंगे। तो इन सब का सबसे बड़ा कारण होता है गुरु, कि गुरु अभी का पिछले कुछ दिनों से मकर राशि में नीच के होकर चल रहे हैं, जिसकी वजह से गुरु ही एक ऐसा ग्रह है जो पैसों के योग बनाता है, पैसों में बरकत लाता है और पैसों का सुख भी दिलवाता है। अगर यही गुरु की प्लेसमेंट आपकी कुंडली में अच्छी नहीं है तो पैसा बर्बादी की तरफ चलता है। इतना कमाने के बाद भी पैसे का सुख नहीं मिलता, पैसा सेव नहीं होता, आए दिन किसी ना किसी बीमारियों पर कहीं ना कहीं खर्च होता रहता। तो मैं आपको वो कुछ राशियाँ बताने जा रही हूँ जिन राशियों को ये के लिए अच्छा समय आने वाला है 30 जून से लेकर 20 नवंबर तक का, उनको फायदा देने वाला। इस टाइम पीरियड में धनु राशि में अपनी ही राशि में मार्गी होकर चलने वाले हैं गुरु। जैसे जैसे इनकी डिग्री बढ़ती जाएगी इन राशि वालों को बहुत फायदा होता जाएगा। जानने के लिए कि आपकी राशि में ये कितना इम्पैक्ट डालेगा, आपको कितना फायदा देगा, आप एस्ट्रो टॉक पर, मैं ऑनलाइन रहती हूँ, आप मुझसे वहाँ पर आकर कंसल्ट कर सकते हैं। पहली राशि जिसकी बात कर रही हूँ वो है मेष राशि, एरिस। मेष राशि के धन भाव में आने से जिन लोगों की शादी में अड़चने आ रही थी उनकी शादी करवाएगा, जिन लोगों के काम बने हुए हैं लेकिन पूरे नहीं हो रहे हैं, अड़चने आ रही हैं, या आउट ऑफ इंडिया या बाहर का प्लान कर रहे हैं, उन सब में दिक्कत आ रही है, इस टाइम पीरियड में इसमें ये पूरे के पूरे सॉल्व हो जाएंगे। बस आपका गुरु का प्लेसमेंट आपका बर्थ चार्ट में कहाँ पर है ये देखना बहुत जरूरी है। अगर आपका सेम प्लेसमेंट का है तो ये 100% दावा है कि आपने जो भी प्लान कर रखे हैं वो आपके पूरे होंगे। इसके साथ अगली राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि के ये बनता है सप्तम भाव में। तो जिन लोगों की भी डिवोर्स, सेपरेशन या बिजनेस को लेके बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। जिन लोगों की शादी नहीं हो रही उनकी शादी के लिए अच्छे वाले प्रपोजल आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ऑस्पिशियस टाइम होता है जब गुरु मार्गी होके आपके सप्तम भाव को देखे या सप्तम भाव में ट्रांजिट हो रहा हो, तो इससे अच्छा शादी का टाइम नहीं हो सकता। बिजनेस को बढ़ाने के लिए भी इससे अच्छा टाइम नहीं मिल सकता, क्योंकि इस टाइम पर बढ़ाया हुआ बिजनेस, इस टाइम पर किया गया बिजनेस हमेशा फ्रूटफुल रहता है और खूब पैसा देता है। इसके साथ अगली राशि है सिंह राशि। सिंह राशि के ये आता है पंचम भाव में। पंचम भाव में आने से एजुकेशन, बच्चों के लिए स्पेशली अच्छी एजुकेशन, हायर एजुकेशन के योग बनवाता है। उसके साथ उनके लिए गुड फॉर्च्यून लाता है। जो लोग खूब हार्डवर्क करते हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, फिर भी उनको रिजल्ट नहीं मिल रहे, और अगर उनकी बर्थ चार्ट में गुरु की प्लेसमेंट अच्छी है, क्योंकि पहले उनको अच्छा मिल रहा था लेकिन सडन आप देखते हैं कि अच्छा चलता चलता काम ठप हो जाता है, सब कुछ ऐसे लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, उसका दोबारा से उठने का टाइम आ गया। तो इस तरह आप उनकी और उनको और पावरफुल बनाने में, क्योंकि यू नो कि जब तक वो डिग्री पकड़ते हैं लेकिन हम उनके उनसे रिलेटेड स्टोन पहनकर, उनसे रिलेटेड रेमेडीज करके हम उनकी डिग्री तक पहुँच सकते हैं और उनके जो फ्रूटफुल रिजल्ट हैं उनको प्राप्त कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।